नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब लोगों ने कुछ थोड़े समय के दौरान ही एक भृगु नंदी नाड़ी का जो मैं नॉलेज शेयर करता हूं उसको अप्रिशिएट किया। जो भी मेरे हिस्से के थे या जो मेरे कर्मों के द्वारा मेरे चैनल पर आए उन सबका एक बार फिर धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आगे आप सब लोगों की भृगु नंदी नाड़ी के नॉलेज के द्वारा सेवा करता रहूं। हाँ, ये जरूर है दोस्तों कि अगर मुझे 100% अगर कोई नॉलेज है तो उसका 25 से 30% ही मैंने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। बाकी जो आप कह सकते हैं 70% के करीब या 75% के करीब, वो जो नॉलेज मिलती है वो मेरे भृगु नंदी नाड़ी के कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ही मिलती है। अब कुछ समय के लिए, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो एस्ट्रोलॉजी की, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से पहले, फिर उसके बाद वैदिक और तीसरे नंबर पे भृगु नंदी नाड़ी से, तो कुछ समय के दौरान ऐसा रहा कि भृगु नंदी नाड़ी ने काफी अच्छा रिस्पांस मिला उस सब्जेक्ट के द्वारा, तो मैं वो ही पढ़ाता रहा। लेकिन अब कुछ समय के लिए कुछ वीडियो मैं जो अभी अपलोड करूंगा या कोर्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि 6 महीने के ऊपर हो गया है समय भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाते हुए, और जैसे भी, क्योंकि मैं ज्यादा बैच को नहीं पढ़ाता हूँ या मैं अभी आप कह लीजिए इतना फेमस नहीं हुआ हूँ कि मेरे पास ज्यादा बैच में स्टूडेंट आते हूँ, तो जैसे भी आते हैं मैंने काफी उनको पढ़ाया, और उसमें हफ्ते में 4 बार, अगर दो एक हफ्ते में 2 क्लास लेता हूँ, अगर दो छोटे छोटे बैच हैं दो दो तीन तीन स्टूडेंट के, तो उनको अगर पढ़ाने से 4 बार पढ़ाने से वो चीजों को एक सेचुरेशन फील मिलती है, तो अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, तो उस टाइम के लिए मैं जो प्रेजेंट बैच है जो एक 23 तारीख को मैंने 23 अगस्त से स्टार्ट करना है, वो इस साल का मोस्ट प्रोबली मेरा आखिरी बैच होगा, और भृगु नंदी नाड़ी फिर मैं 23 अगस्त वाला जो ये बैच है 23 अगस्त 2022 को जो शुरू होगा, ये शुरू मतलब शुरू होगा, ये बैच खत्म करके, ये एक ही बैच होगा, चाहे कोई और अलग से आए या ना आए या इसमें भी कोई स्टूडेंट आए या ना आए, तो मोस्ट प्रॉबली भृगु नंदी नाड़ी का ये 23 तारीख वाला आखिरी ही बैच होगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसे चीज हो जाती है कि भी हमें वो जो कमिटमेंट करते हैं या अनाउंसमेंट करते हैं उससे थोड़ी सी डेविएशन ऐसे सर्कमस्टांसिस में हो जाती है कि जहां पर हम उससे डेविएट हो जाते हैं या वो हमको बदलना पड़ता है, बट ये तय है कि 23/8/2022 से जो बैच होगा एक ही बैच होगा, हफ्ते में 2 बार क्लास होंगी, मंगलवार और बृहस्पतिवार, जो मैंने जिस जो मंगलवार और हाँ ट्यूसडे और जो थर्सडे को बोला है उसके हिसाब से वो बैच मैं करूंगा, या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मंडे या वेनेसडे होता है वो एक हम देख लेंगे जो रजिस्टर्ड होते हैं, अगर नहीं भी आएंगे तो फिर इसके बाद इस साल 2022 में भृगु नंदी नाड़ी के लिए और क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी वो 25-30 जो मुझे स्टूडेंट मिले या 30-35 जो स्टूडेंट मिले उनको मैंने दे दिया है। अगर वो सारा नॉलेज दे दिया है और उस नॉलेज से अगर आगे एनहेंस करना है तो कम से कम मुझे 4-5 महीने दोबारा अपने आप को रिफ्रेश करना होगा, इसलिए भृगु नंदी नाड़ी का वो चैप्टर मैं यहाँ पर कुछ इस साल के लिए स्टॉप करूँ। तो उस चीज के लिए अगर जो मेरे और कंसेप्ट थे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हैं न्यूमरोलॉजी के हैं, तो बचे हुए ये 2022 में मैं उनको उठाऊंगा, और उन्हीं के लिए स्टार्ट करने के लिए या उसी के स्टार्ट करने के लिए जो मेरा एक कोर्स है 1 सितंबर 2022 से, 1 सितंबर 2022 से जो मैं ये कोर्स कराऊंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, ये मैं चाहता तो इसका नाम स्नैपशॉट प्रिडिक्शन के नाम से भी डाल सकता था या एडवांस प्रिडिक्शन के नाम से भी डाल सकता था या कुछ और भी नाम दे सकता था, लेकिन क्योंकि मेरा जो कोर्सेज के नाम रहते हैं वो जो शास्त्रों में या जो जिनका रेफरेंस पॉइंट मेरा रहता है उसी से रहते हैं, तो इस कोर्स का जो नाम है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्पेशल कोर्स है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्पेशल कोर्स इसलिए रखा है कि इस चार्ट से या इस कोर्स के करने के बाद जो लोग आपसे एस्ट्रोलॉजर शेयर नहीं करते हैं और एक्चुअल प्रिडिक्शन जिन बेसिस पे देते हैं वो पॉइंट्स डिस्कस होंगे, तो प्योर रूप से
लेकिन उस कोर्स को स्टार्ट करने से, कोई आप एडवांस लेवल पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे हैं या बेसिक लेवल पे हैं, तो ये 24 लेक्चरों का जो कोर्स होगा, तो हर लेक्चर मिनिमम मेरा 2 घंटे से, मिनिमम 2 घंटे का तो होता ही है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो मैं 24 लेक्चर की कमिटमेंट के साथ ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कराऊंगा। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 50+ आवर्स की टीचिंग होगी, 50 घंटे से ऊपर होगी। दावा यही है कि जो भी मेरे समकालीन एस्ट्रोलॉजर्स जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करते हैं, कि मैं उस कोर्स को, सेम उस कंटेंट्स को, या उससे मिलते जुलते कंटेंट से अपने वो सब उनको दे पाऊं, या उससे कुछ एक अलग रूप से दे पाऊं। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो एक मार्केट में ट्रेंड होता है या एक मार्केट में जो चीज है, उससे आप कुछ अलग देंगे तो ही आपके पास लोग आएंगे। तो इसी रूप के लिए, या इसी के स्टार्ट करने के लिए, जो मेरा एक ग्लिम्स है, या आप कह सकते हैं छोटा सा विवरण, ये चार्ट जो है, इसके मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही करूंगा इसका। अभी इसमें किसका चार्ट है, क्या रेफरेंस पॉइंट है, मैंने कहाँ से लिया है, ये कोई इसका विशेष मुद्दा नहीं है। आज का इस चार्ट में है कि देखिए, आज के रूप में हम लोग सब पैसे के रूप में ही देखना चाहते हैं, और मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया है, जब भी चंद्रमा और मंगल की युति होती है, अगर वो जातक सही तरीके से चार्ट के एक्टिवेशन के हिसाब से काम करे, चंद्र और मंगल की मैं बोल रहा हूँ, चंद्र और मंगल की होगी युति, तो जातक के पास काफी अच्छा धन हो सकता है, या धन अलग अलग प्रकार से उसके पास आता है। उसको यही नहीं पता कि ये धन किस रूप से आ रहा है, लेकिन धन उसके पास आता रहता है। इसी प्रकार ये दो ही कंसेप्ट हैं, ये दो पिता पुत्र की कुंडली है। इस पिता पुत्र की कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे तो उस धन योग को देखने के लिए, कि यहाँ पर अगर मंगल और जो चंद्र है वो चतुर्थ भाव में इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन जो जो बेटे की उसकी कुंडली है, उसमें मंगल और चंद्र आमने सामने बैठे, तो ये दोनों ही कंडीशंस हैं जहाँ पे धन आता है। नो डाउट ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले, मतलब आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस वाले, फैमिली को बिलोंग करने वाले पिता पुत्र हैं, और इनके पास जमीन जायदाद का भी सोर्सेस है। लेकिन आप देखिए कि भी चार्ट में, चाहे वो अमीर का हो, चाहे वो गरीब का हो, चाहे एक नॉर्मल पर्सन का हो, हर चार्ट में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रहती है। हर चार्ट में कुछ, अगर धन आने के योग हैं तो धन जाने के भी योग। तो अगर हम पहले चार्ट में देखें, तो इसमें अगर आप चार्ट के, मैंने कोई यहाँ पर राशि नहीं लिखी है अभी, हाँ अगर आप यहाँ पर लगन का भी अगर दें, तो मैं लगन का भी इसमें वैदिक में खासकर, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में तो हम लगन लेते नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक सिंपल सा बात यहाँ करते हैं, कि ये नहीं कहते कि इनका क्या लगन है, क्या राशि में इनका जो लग्नेश बैठा हुआ है, एक सिंपल देते हैं दोनों चार्ट्स में। एक तो धन योग, धन योग अगर है तो आज इस चार्ट में हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। धन योग दोनों में है, जो मैंने पहले ही बता दिया, चंद्र और मंगल की युति, चंद्र और मंगल का आमने सामने बैठना कई रूप से धन देता है। और साथ में अगर हम देखें, तो दूसरा जो कंसेप्ट है, जो पहले वाले चार्ट में, पिताजी के चार्ट में, अगर गुरु अष्टम भाव में बैठा हो, तो मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है, तो गुरु अगर क्योंकि अब मैं कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं, अगर गुरु अष्टम में है, जातक के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जातक कठिनाइयों में जाता है, लेकिन जब वो कठिनाइयों में जाता है और उसको लगता है कि सारे दरवाजे मेरे बंद हो गए, अब मेरे को कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही हेल्प करने के लिए, तो सडनली कोई भी डिवाइन हेल्प, कोई भी भगवान का बंदा, या कोई भी भगवान द्वारा भेजा गया, जैसे आप कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे जातक की जिनके अष्टम भाव में गुरु बैठा है, मैंने ऐसी मदद मिलते हुए देखी है। तो ये पहली एक चीज, अगर वो कठिनाई में जाएगा तभी मदद आ रही है, तो ये अष्टम भाव का जुपिटर बताता है। दूसरा जो मैंने देखा है कि जो 6th हाउस का लॉर्ड, छठे भाव का जो स्वामी है, अगर वो लगन में बैठ जाए, तो जातक के जीवन में 6 प्रकार की जो षड ऋतु हैं, चाहे वो रोग से संबंधित है, चाहे वो कोर्ट केस से संबंधित है, चाहे वो बीमारी से संबंधित है, या किसी भी प्रकार के और कष्ट है, लोन से संबंधित है, जो ऋण लेना पड़ गया, अगर उसका छठे भाव का स्वामी लग्नेश में जाए, तो उसके जातक के
के जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं। तो यहाँ पर ये पिता के चार्ट से हमने दो प्रकार की कठिनाई देखी कि ये जाएगा कठिनाई में लेकिन इसको हेल्प मिल जाएगी, कोई चीज इससे छीनी भी जाएगी तो भी इसको वापस मिलने की उम्मीद होती है, ये पिताजी का चार्ट ऐसा बोलता है। तो इस तरह की चीजें जब आप चार्ट से जोड़ के, चाहे वो पंचांग जब जन्म का आपका उस टाइम का पंचांग है उससे हम प्रिडिक्शन करें, चाहे आपकी दशा महादशा अंतरदशा से प्रिडिक्शन करें, या आपके राशि चार्ट या आप कह सकते हो D1 चार्ट से आपका प्रोजेक्शन देखें, और D9 चार्ट को अप्लाई करके चाहे आपके जीवन में मिलने वाली चीजों को देखें, ये सब चीजें अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए और फर्दर डिटेल चाहिए तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ये ईमेल आईडी दिया है। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी हम सीखेंगे कुछ कुछ उसका हिस्सा हम यहाँ पर यूट्यूब पर डालते रहेंगे, आप यूट्यूब पे आके अपनी वो नॉलेज को भी अपडेट कर सकते हैं। तो दूसरी बात, यहाँ पर अगर जातक के जीवन में देखें, जातक के जीवन की अगर हम कठिनाइयों की बात करें, अगर ये जातक का चार्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य शुक्र और बुध तीनों अष्टम भाव में बैठे, पिताजी के जीवन में कुछ कष्ट हो सकते हैं। मरकरी, अगर मरकरी से आप एजुकेशन पकड़ते हैं, शिक्षा का पकड़ते हैं कारक, तो वहां दिक्कत हो सकती है। शुक्र, एक बार पैसा खत्म हो सकता है, शुक्र अष्टम भाव में बैठा, यानी एक बार तो उसको वो डिप देगा ही देगा, ज्यादा बार ना भी दे एक बार लाइफ में डिप जरूर देगा। डिप का मतलब है वो आपको लॉस देगा या आपसे वो संपत्ति कुछ समय के लिए किसी भी रूप से आपसे दूर हो जाएगी जब आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये अष्टम भाव का, यहाँ जैसे पिताजी को हेल्प मिल रही थी डिवाइन हेल्प, यहाँ पर शुक्र भी गुरु का ही कारक है, चाहे वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं मृत संजीवनी वाले गुरु हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है, तो इनको भी बचाएंगे, लेकिन इनको जब बचाएंगे इनको कष्ट की जगह इनको लॉस होगा, इनको फाइनेंशियल लॉस होगा, उसके बाद इनको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर जो पिताजी का चार्ट है, यहाँ पर इनको कोई लॉस नहीं होगा, इनको सिर्फ कष्ट होगा, दुख होगा। तो इस तरीके से मैंने ये चेंज कराया। दूसरा, अगर आप देखेंगे पिता पुत्र की कुंडली में राहु केतु जो है 3-9 एक्सिस में बैठे, अगर पिता की कुंडली में देखेंगे तो 9 केतु है, तो उनके पिताजी को यानी ये लड़के के दादाजी को दिक्कत हुई। तो अगर यहाँ पर बैठे हैं राहु हैं और सैटर्न जो ये यानी जिनकी ये फादर वाली कुंडली है, ये इस लड़के के पिताजी हुए, अब ये जो इनके जीवन में दिक्कत होगी वो इनके जीवन में दिक्कत सैटर्न और राहु के कारका की होगी। सैटर्न और राहु का कारका दोनों ही वायु को इंडिकेट करते हैं, तो इसका मतलब कुछ भी वायु से संबंधित इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर विदेश जाना है फॉरेन जाना है ये नवम भाव में बैठे हैं। तो ये लड़के के चार्ट से आप कह सकते हैं, चाहे कोई महादशा चल रही हो कब क्या जाएगा ये एक अलग बात है, सैटर्न और राहु का नवम भाव में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हम है वो नवम भाव से देखते हैं, अगर नवम भाव से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं ये जिंदगी में वैसे ही करेगा। तो इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर इसका जुपिटर और मार्स है यहाँ पर, तो इसकी प्रॉपर्टी को भी ये मल्टीप्लाई करेगा, मिनिमम 3 प्रॉपर्टियां, 3 डिफरेंट प्लैनेट इसको देखा ही देगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप हमसे देखना चाहते हैं, हाँ ये कब मिलेगी कैसे मिलेगी और किस राशि में बैठ के किस टाइप की फ्लेवर मिलेगी, ये सब डिटेल कोर्स का पार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार फिर आपको बता दूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्पेशल कोर्स 1 सितंबर 2022 से चल रहा है, इसकी क्लासेस जो होंगी मंगलवार और बृहस्पतिवार को रात 8:30 बजे होंगी। अगर आप कोर्स की और डिटेल लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर, यहाँ पर नीचे लिखे नंबरों पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जय श्री राम, आप अपना उन्नति एस्ट्रो वाले चैनल को ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। तो जय श्री राम।